दोस्तों नमस्कार, स्वागत है दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आप भी अतिथि शिक्षक हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि लगातार अतिथि शिक्षक वर्तमान शैक्षणिक सत्र में प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान से अपने भविष्य को सुरक्षित करने मांग कर रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री भी सहमति जता रहे हैं। लगातार 10-12 बार वह लगातार रोड शो और मंच से कह चुके हैं कि अतिथि शिक्षकों को जल्द ही भोपाल में बुलाकर उनके लिए अच्छा करने वाले हैं, उनके भविष्य को सुरक्षित करने वाले हैं। इसी उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश कर्मचारी कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष माननीय रमेश चंद शर्मा से अतिथि शिक्षकों के संगठन ने कुछ दिन पहले मुलाकात की थी। एक बार फिर से मुलाकात की गई, जिसमें चार सूत्री मांगों को रखकर यहां पर अतिथि शिक्षकों के लिए बेहतर करने का प्रयास किया गया है। अगर आप भी अतिथि शिक्षक हैं, परीक्षा पास हैं, तो आप जल्द ही नियमित शिक्षक बन सकते हैं। साथ ही जो परीक्षा नहीं दे पाए हैं उनके लिए भी यहां पर चार बिंदु रखे गए। चलिए कंप्लीट वीडियो यहां पर आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे। एक बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश कर्मचारी कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष और मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त माननीय रमेश चंद शर्मा जी से आज अतिथि शिक्षकों ने मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान अतिथि शिक्षकों ने उनको अपनी चार सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। इनका चेहरा आप देख लें अच्छे से, ये आजकल बहुत फेमस है, क्योंकि लगातार जो दैनिक वेतन भोगी हैं और इस कैडर के सभी कर्मचारी हैं, इस तरह कर्मचारी चाहे अतिथि शिक्षक हो, संविदा कर्मचारी हो, इनके पास जाते हैं। फाइनली इनके सुझाव पर ही आगामी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर इन कर्मचारियों के लिए सम्मेलन बुलाकर उनके ये भविष्य सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए मामला अतिथि शिक्षकों को लेकर है। अतिथि शिक्षक संघ अनुमाना विधानसभा मऊगंज की तरफ से 30/7/2023 की तारीख पर इनको यहाँ पर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में चार मांगे रखी गई हैं, जो मांगे प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों को देख लेनी चाहिए, अपनी राय कमेंट में बता देनी चाहिए। यहाँ पर देखिए प्रति है श्रीमान रमेश चंद शर्मा, कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश शासन, और विषय यहाँ पर अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करने बाबत है। यहाँ पर देखिए मैटर है कि मान्यवर सबने नम निवेदन है कि हम अतिथि शिक्षकगण 10-15 साल से अनवरत कार्यरत हैं, जो कि शासन को हमारे द्वारा कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, और हम लोगों का नियमितीकरण के बारे में शासन कोई भी ठोस कार्यवाही अभी तक नहीं किया है, लेकिन केवल आश्वासन ही दिया है। तो आपको पता ही, अभी कल ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने खातेगांव देवास पर अतिथि शिक्षकों को कहा जल्द ही आपकी महापंचायत राजधानी भोपाल में बुलाने जा रहे हैं, सम्मेलन कराने जा रहे हैं, लेकिन वहां पर अतिथि शिक्षकों ने स्पष्ट तौर पर तारीख तारीख करके यहां पर चिल्लाने लगे। तब मुख्यमंत्री इस पर कुछ नहीं बोले हालांकि, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम बुलाएंगे। तो यहाँ पर जो ज्ञापन दिया गया है, इनमें यहाँ पर बताया हुआ है कि सुश्रीमान जी से निवेदन है कि हम लोगों का नियमितीकरण के लिए कोई नियम बनाकर के नियमितीकरण किया जाए। यहाँ पर देखिए इनकी मांग भी है, जो कि प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षकों को एक बार जरूर देख लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए क्या वह इस मांग से सहमत हैं। कमेंट में बताइए। देखिए पहली मांग यहाँ पर रखी गई है कि अन्य राज्य की तरह नीति बनाकर अतिथि शिक्षकों का पद रिक्त न मानते हुए, तो ये मांग तो यहाँ पर ज़्यादातर अतिथि शिक्षक लगभग सभी अतिथि शिक्षक सहमत हैं कि जहाँ पर अतिथि शिक्षक का उस पद को रिक्त न माना जाए, और साथ ही कार्य अनुभव के आधार पर 12 माह का सेवा काल उनका कर दिया जाए और 62 वर्ष की आयु तक जो है उनको कार्य करने दिया जाए। वही दूसरी मांग है कि साथ ही अतिथि शिक्षकों का वेतन वृद्धि करते हुए सम्मानजनक वेतन भी प्रदान किया जाए अतिथि शिक्षकों को, यानी 12 महीने का और 62 साल तक सेवा, और साथ ही वेतन जो है वृद्धि किया जाए। साथ यहाँ पर 30 अप्रैल 2023 तक, ये पुराने को लिए जो पहले कार्य थे लेकिन अभी वर्तमान में हटा दिए गए हैं, तो 30 अप्रैल 2023 तक जो अतिथि शिक्षक जिस संस्था में कार्यरत थे उस पद को रिक्त ना माना जाए। यहाँ पर देख सकते हैं ये मांग जो है बहुत ज़्यादा अतिथि शिक्षकों के लिए फायदेमंद होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अतिथि शिक्षक इसी शैक्षणिक सत्र में हटे हैं। वहीं आपको बता दें, जो अतिथि शिक्षक 2018 से 2020 की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, यानी जो MPTET वर्ग 1, 2, 3 कोई भी उत्तीर्ण किया है अगर, तो और यहाँ पर IT का पालन करते हैं, यानी जो नियम है शिक्षा विभाग के उसमें BEd, DEd उन्हें RT जो नियम होता है, तो RT के जो नियम का पालन करते हैं, परीक्षा उत्तीर्ण है, BEd, DEd हैं,
तो उनका न्यायमितीकरण किया जाए, यानी तमाम वही योग्यताएँ वहाँ पर वह धारित करेंगे। और साथ ही यहाँ पर इसको प्रतिलिपि के रूप में भेजा गया है माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव और लोक शिक्षण शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में अतिथि शिक्षक यहाँ पर उपस्थित थे। हालांकि यहाँ पर जो सिग्नेचर है वो पेंच में कमी उस पार है, उस पार आपको यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। और यहाँ पर जो अतिथि शिक्षकों की ये मांगे हैं, प्रमुख मुद्दा ये है, क्या इन मांगों से सभी अतिथि शिक्षक जो वीडियो देख रहे हैं सहमत हैं? कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से लाइक और शेयर कर दें। और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल खुदी में चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अतिथि शिक्षकों को जल्द ही यहाँ पर लाभ मिल सके। और इसको शेयर जरूर कर दें, ज़्यादातर जो है हमारे चैनल से जुड़े हुए जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, अतिथि शिक्षक हैं और साथ ही मध्य प्रदेश सरकार से जुड़े हुए शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारी भी वहां तक जरूर इनकी मांगे जो हैं यहां पर जानी चाहिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो पर एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।